अभी लतीफ भाई आप एक यूनियन लीडर है, ये जो रिक्शा वालों की जो तकलीफ है, इसके बारे में आप क्या एक्शन लोगे? सबसे पहली बात तो मैं महाराष्ट्र से यू कृति समिति राज्य सरकार का शहर अध्यक्ष हूँ। मुझे अभी फोन आया बहुत सारे गाड़िया वालों के भैया ऐसी ऐसी प्रक्रिया, जैसे ये मीटर का जो प्रॉब्लम है, ये मानसिक त्रास। आरटीओ को फुल टाइम अभी सिर्फ और सिर्फ ऑटो रक्षे के ऊपर है, ट्रांसपोर्ट गाड़ी के ऊपर आरटीओ का कोई ध्यान नहीं है। एक प्रकार है ना, आरटीओ का 3 तारीख का बहुत बड़ा मैटर है, ये शायद से प्रेस में भी आया है। आपके मार्फत से मैं ये उजागर करना चाहता हूँ, इनका जो बड़ा कांड है, जो गाड़ी ऑटो ऑफिस में है उसको लाइसेंस की जो इसकी गैस की जो पौती है, जो गैस वेरीफाई करके जो पौती मिलती है सेफ्टी की, वो ऑटो ऑफिस में होने के बाद में भी एक दलाल, एक जो बोलते एजेंटशिप करते, ये उसके फोटो है जो ऑटो ऑफिस में गाड़ी खड़ी हुई है। पवार और दूसरा प्रकार है ना, ऐसा है क्या, उसको अप्रूवल आरटीओ ने दिया। कौन सा आरटीओ ने दिया अप्रूवल उसको? वरिष्ठ अधिकारी ऊपर से है, उसके बाद में ये उसके सर्टिफिकेट है जो गाड़ी अंदर है पिछले 6 महीने से, उसका 3 तारीख के दिन उसका सर्टिफिकेट बना के दिए जा रहा है, जबकि सर्टिफिकेट लिए इसकी रियल में फीस है सिर्फ 1200 रुपये, इसके लिए जा रहे 6210 रुपये। और ऐसी एक और एजेंसी थी KGN बोल के, जो वॉल्यूज के अंदर थी, उसका भी एक फ्रॉड करके या कुछ ऐसा प्रकरण करके इमिजिएटली उसका जो परमिशन वो रद्द कर गया। आरटीओ को हम घड़ी घड़ी द्वार लगा रहे हैं, तो उसके अलावा वो काम छोड़ने से बेहतर है कि आरटीओ ने ये नया काम करना चालू करा। और इसके अंदर जिला अधिकारी साहब के साथ में जब मेहत्रोवाल साहब की मीटिंग हुई थी रक्षा यूनियन के मार्फत से, आप लोग भी थे वहाँ, उस टाइम में हमको वचन दिए थे कि भाई हम अल्टीमेशन देंगे, हम आरटीओ कार्यालय से प्रेस नोट लगेंगे और जब हम कार्रवाई करेंगे। आज 200 रुपये कमाने वाला बंदा 20,000-22,000 रुपये कैसे भरे? आज इतनी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं ऑटो कार्यालय के ऊपर ध्यान दे, पुलिस कार्यालय के ऊपर ध्यान दे। आज ऐसी परिस्थिति है कि अभी रोड से गाड़ी है तो आरटीओ से लेकर पुलिस तक हम लोगों की पौती मारती है। इसके खिलाफ हम एसीबी साहब से मिले, हमारा जो है तो पिछले 26 और 24 को आंदोलन था, हमारे को एक अच्छा आश्वासन दे के हमारा आंदोलन वापस लेने लगा है। कौन आश्वासन दे के आपको वापस लेने लगा है? मेहत्रोवाल साहब के साथ में हमारी मीटिंग हुई, औरंगाबाद पुलिस एसीपी से ट्रैफिक की हमारी बात हुई है, उसके बाद में डीसीपी मैडम से हमारी बात हुई है, जिला अधिकारी के साथ हमारी बात हुई है। जिला अधिकारी ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि गाड़ी के मेमो कभी देते हैं उन्हें, कभी उस लायक है, उसने डल लिए जैसा है तो उसमें कार्रवाई करो, उसकी गाड़ी रिलीज करो, ये कलेक्टर साहब के आदेश थे। अभी ये जो गाड़ियां पकड़े गए हुए हैं आपका कहना है, तो आप क्या कलेक्टर साहब के पास जाकर ये सब रिक्शे वालों को लेकर जाओगे क्या? क्या उनसे क्या मांग करोगे कलेक्टर साहब से? सबसे पहली बात तो सर, हमारे को हमारी गलती का कारण नहीं बताए, हमने गलती क्या करे? जब तक हमारी गलती का हमको कारण नहीं मालूम पड़ेगा। हमने उनको डिमांड करे कि हमको औरंगाबाद शहर के अंदर रक्षा स्टैंड चाहिए, जो आज तक नहीं मिले। हमने बोले हमारे को ठहरा और मिटाने के लिए। अभी जो आपने बोले कि आपकी जो गलती का क्या है पता चलना चाहिए, किसने पता चलना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे आज मैत्रेवार साहब भी नहीं है, तो ये लोग को उन्हें किसने कहना चाहिए, जिम्मेदार कौन है यहाँ पे? अभी सर मैत्रेवाल साहब रह के भी कोई फायदा नहीं, मैत्रेवाल साहब रक्षा वालों की यूनियन से ना रक्षा वालों से मिलने के लिए इंटरेस्टेड है। हमारे को जो भी डील करते हैं कराड़े साहब हो गए, उसके बाद में जो नीचे के अधिकारी वो लोग हमारे साथ में डील करते हैं कि भाई किस तरीके से हमको सुविधा मिलेंगी, किस तरीके से हमारे समस्या को सुलझा जाएंगे। मैत्रेवाल साहब ने आज तक कौन सी मीटिंग ली है आप भी बताइए मेरे को, एक मीटिंग बताइए जो मैत्रेवाल साहब ने ली है रक्षे की यूनियन से, जबकि रक्षे के लिए सिर्फ कार्रवाई के लिए रखी गई। औरंगाबाद शहर में ट्रांसपोर्ट गाड़ी आप देखिए लंगा ना चालू है सारे बाईपास के ऊपर, इनको आप कवर करिए, आपको पूरा खुलासे सामने मिलेंगे। उसके बाद में ऐसी कोई रक्षे है, हम ये नहीं बोले कि हमारे रक्षे वाले गलत है, बिल्कुल नहीं बोले,
हम ये भी नहीं बोले कि हमारे रक्षा वाले सही है, हम ये भी नहीं बोले हम गलत है, तो हमारी गलती बताओ, हमारे को दंड दो, हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर बहुत सारे अभी रक्षा वाले यहाँ पर फाइन भी भरने के लिए तैयार है, फिर भी उनकी फाइन वगैरह, क्योंकि जो फाइन देखने में मिल रहा है 10,000 रुपये, अभी जैसे ये बच्चे ने बताया है क्या, इनका जो है तो सब क्लियर रहने के बावजूद उन्होंने 100,000 रुपये भर भी दिए, इनके वास्ते क्या करोगे आप? बिल्कुल यूनियन के मार्फत से जो है, यूनियन के मार्फत से हम कोर्ट जाएंगे, हम बिल्कुल कोर्ट जाएंगे, हम रक्षा वाले के साथ में आखिरी तक खड़े रहेंगे। सबसे बड़ी बात हमारे लिए, हमारे सुनने वाला कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब को हमारा दर्द है, वो भी एक रक्षा चालक थे, हमारी कहीं ना कहीं तो सुनवाई होंगी, ये विश्वास है। आपका पूरा नाम बोलिए। शेख लतीफ।